विराज से माहिल किया, हाल सिर सादह का बताया चली। इस समय किला में सिर्फ मलखान है, रानी गज मोती का नाव डोला बली। आल्हा उदल अपने भाई मलखान से नाराज होके सिरसा से मोहबाया गिलन, और सिरसा में जब मलखान अकेले रह गिलन है, वही समय आल्हा उदल का मम्मा रलम माहिल माहिल जाके पृथ्वीराज से दोस्ती गिलन। और कहनन की महाराज फुटमत का फायदा उठा लप, आल्हा उदल नाराज होके अपने भाई से मोहबा चल गिलन, और सिरसा में घेर के मलखान के उनके दुल्ही के उठा लिया तब मजा आ जात, बड़ा लगावे लन सब। पृथ्वीराज तैयारी केलन है, लेकिन तनी सा भैया तनी सा या अरे सिरसा गढ़ के समर में डटे नौजवान, आज मन खान अरे सिरसा गढ़ के समर में डटे नौजवान, ताकत यजमाऊंगा आज मल खान का, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम, डोला गज मोती का लेके जाएंगे हम। गड़ गया रण में झंडा वटान का, तैयारी से सिरसा के घेर लेन, आवाज दे गए मलखान के दुल्ही गज मोती के उठा ले जब, लेकिन मलखान आवाज दे है का, अरे पानी के बिना जग में जिंदगानी वृथा है, मर्द की जवानी बिता है, चपला सा चमकता था मल खान का तेगा, है मर्द कौन लोहा जो फौलाद से लेगा, गह सिरसा वाले पृथ्वी को बे पानी का छोड़े है, भागे पिथौरा गह में जवान भगोड़े, गढ़ वाले मलखान के सब साथी टूट पलन है पृथ्वीराज के सेना पर, और एक तरफ से लखेत के एकदम सहार कर देना पृथ्वीराज के सेना के, लेकिन वही लड़ाई में एक तीर जाके मलखान के लगे। मलखान सोचलन कि हमारे साथी संगाती के मालूम हो जाए अगर कि हमके तीर लग गई तो हौसला टूट जाए, हौसला टूट जाए तो हार हो जाए, हौसला बुलंद रही तो जीत हो जाए। तो साथी का हौसला बुलंद रहे, पृथ्वीराज के मार के लखे दिले, लखेत के लौटल तो मलखान के देखलन कि तीर लगल बा, उठाल मलखान के लिए न महल में, रानी गजमोती कुछ पूछल चाहत बा, लेकिन बोले कोशिश के न मलखान ने किल बोल नहीं तो प्राण छूट गए, लाश रखवा दी तेल में या भाव मिलल तजवा हुए बा, फिर फिल्म दुल्हन के कि हमार हमार पाजेब राजा ही राजा राधा हे रहिला चनमा है कौने बदरा में, चनमा है कौने बदरा में, चनमा
ए भैया चिट्ठी लिख ली आल्हा उधर के, आप लोग नाराज होकर चले गए अकेले पाक के मेरे पति के पृथ्वीराज मार दल। अरे सपवा के दूध सपवा के पीस पर है दूधावा के पियाले से, अरे पिपदा में पढ़ल मुदैया मीदावा हे दवा सकल सिरसा गढ़ के लगाई के, अरे महिर किया जाके चुगुलैया मीदावा। इधर महिला के पृथ्वीराज से कहलन, महिला के पृथ्वीराज से कहलन कि आजा पृथ्वीराज महाराज माना बतिया, अरे मलखाना मरी गए लड़ैया हो मीतावा। अरे महाराज वो लड़ैया में तुरंत भाग गया लेकिन एक तीर मलखान के लग गई और मलखान मर गए। अगर यही मौका पर फिर से अगर चढ़ाई कर देवे के हो सिरसा वाले कुछ कर न पाइए ना गजमोतीन के उठा लिए भाई अकेले महल में करे लड़का है लेकिन बड़ा छोट हो। पृथ्वीराज कलन करे माहिल तू बड़ा चार सब इसी कर रहा पक्का माहिल हुआ ओदा पर चढ़ा के लिया गया हमके लखेलवा देला सिरसा वाले लखेत के एकदम बाहर कर दे हमके नगरी से और अब फिर हमके पैतरा पढ़ावत हुआ कलन के नहीं अदा खबर सच्ची है आज तरज बदल गई तरज है बात यह सादा सिन्हा गौर बा कि मोरे पिछवाड़ावा जमीरिया का पेड़ावा जमीरिया का पेड़ावा मोरे बलमुआ हो मोरे बलमुआ हो नील रंग चुनरी रंग मोरे बलमुआ हो नील रंग चुनरी रंग तर्जवा यह बा लेकिन पृथ्वीराज कहे माहिल से बोले पृथ्वीराज साथे दादावा कमाईला साथे दादावा कमाईला मोरे संगतिया हो मोरे संगतिया हो छातिया पदाल तू बहुत धोखेबाज है बाप धोखा कर जाए बाप माही करेंगे एक बार हमारे कहले चल चला महाराज अगर धोखा हो जाए जो सजा चोर के वो हमार पृथ्वीराज में ठीक है एक बार तो हर कहना मानव और तैयारी कराओ लगलन है लेकिन यार आल्हा उदल के जब चिट्ठी मिलल गजमोतीन के कि हमार पति आप लोगन के न रहले मारल गए ये जब चिट्ठी मिलल उदल कलन के रे बड़का भैया मलखान इतना बहादुर मारल कैसे गिर अरे पानी में कैसे लागल यगिया झंका आल्हा उदल आवया पुरानी अरे पुरानी अरे पुरानी जय चंद के बेटा लाखन को
अरे आल्हा अगुमान बनाए हैं, अल संधि पत्र लिख करके आल्हा किंदल से भेजवाए हैं। ए भैया इधर जबकि आल्हा उधर चलने हैं, बेतवा के तट पहुंचे उन बेतवा नदी के, और तब तक पृथ्वीराज की सेना लेकर उधर से पता लगल कि आ गए किंदल के भेजन है आल्हा कि जाकर पृथ्वीराज से कहता कि हमको थोड़ा मौका चाहिए, अपने भाई मलखान के क्रियाक्रम कर ली तो फिर बाद लड़ाई हुई। इंदल चलन है पृथ्वीराज के सामने, जब इंदल पहुंचल पृथ्वीराज कहना अकेले आत हुआ और सब सेना कहा? अरे हाँ बहादुर की जरूरत हो। इंदल कहना की कोनो बात का बहादुर सब तैयार हो, लेकिन एक बात तो फिर कहना हो कहे का सरदेवा फिर हो जाएगी कि राखी हर साल आवेले सवनवा में। अरे लसिया दादा का पड़ा लो बा भवनवा में, लसिया लसिया दादा का पड़ा लो बाबा कि वीर पुरुष हो बहादुर आदमी हुआ, एक काम करा कि थोड़ा मौका था मलखान दादा के क्रियाक्रम हम लोग कर ले तो करे बाद निश्चित लड़ाई हुई। पृथ्वीराज कहेंगे जा हम अग्निदान तक के लिए मौका देती ए बड़ू 7 दिन तक पे चले जाओगे बैठे दादा जी त्रिपुरा बैठल मत। सब लोग पहुंच रहे जब सिरसागढ़ में मलखान के द्वारे रानी गजमोती देख ली, जब सबके या उठ गई है ए? अरे मानी के लूटल सिंगरवा रोवत रानी फाटे ही अरवा। तुम्हार मोरे जीवन का खतिया की टूटे न पावे दुलरवा, अरे टूटे न पावे दुलरवा रोवत रानी फाटे ये पांच हो सके तो हमारे पति के अपने भाई का बदला ले लिया, न हो सके तमर छोट बच्चा है कि जिया दिया अपने बाप को बदला ले ली। इतना बात जब कलिन है आला उदल के मर्दानगी के धक्का लगल तहर उन्होंने कहा अरे झंका आला उदल भर नया नवा बनावा पे धाता बाप आज समय पर भौजी कह मेहनवा बनावा पे धाता बाप चिता ऊपर बैठा है। अरे दिया तुहारन बेटा अगली दनवा बनवा पे धतबा और धोखा कहीं पृथ्वीराज दे छनवा बनवा पे धतबा।
चिता सजा के तैयार के लिए गजमोती चिता बदल सती हुए बने कहलत कि हम आज सती हो जा लेकिन हमारे लड़का के जिया दिया आल्हा उदल मलखान के बेटवा बहोरन से अग्निदान करोल बहोरन जब अग्निदान केलन है आज तब तक पृथ्वीराज चारों तरफ से घेर दिल कहें कि बस बात इतने पर रहल यह तो लोग क्रियाक्रम के चक्कर में रहल और पृथ्वीराज जब घेर रहे सेना लेके अरे जैसे बिना पंखावा का झंखर पखेरवा अरे मणि बिना फणी जैसे झंका बार बार अरे झंका आधा उदल झंका इंदल ललनावा झंका सब पीर नहीं हाथ हथियार पनिया लुटी हो दुनिया में कैला पृथ्वी राज साथे धोखावा कमार जिये तो जाओ की पक जिये तो जाओ की भौजी के पकड़ ली है मुदाई अरे भुजावा का जोरा हो जाई है बेकार सब लोग चिंतित हो गए कि हम लोग तो अपने क्रियाक्रम में रही और पृथ्वीराज घेर दल नहीं समय कोई के पास हथियार नहीं बा लड़ाई कैसे हुई तब तक गजमोती चिता पर से बोले कि खबरदार कोई उदास न होया आज वीरन के बहादुरी के नहीं सती के सत्य परीक्षा हो अरे बोली का जमोती तबा उदल बबुआ से सत्य का परीक्षा आज हो तबा अति मकादा करिया उठावा बाला बनावा तब ही के हाथावा में होई तलवार सत्य मुझे न करिया तलवार होई गई भिड़ी गई बनावा में बीरावा जुड़ा खता खता ते गावा बजा हो धारती पटाना ये कत्ता तुझा महारानी भुजा उदल के समाई ली अब आगे जवान तब होई के लक्षार अरे पृथ्वीराज बप पकड़ के उदल बघेलावा तू का चढ़ाए बाध दीजा उस पास अब कहा आज माफी मांगा मोरे भाऊजी से अब पकी अब असला जेकर कैला उजार दुर्गा महारानी उदल के भुजा में समा गई और गजमोती नवाज ग्रह से गया चिता के लकड़ी उठा ला जे जे लकड़ी उठाई उसके हाथ में तलवार हो गई अजय के मरबा एक बार आवाज न करी बिना आवाज के चल गई वही बात हुई मार मार के दम ढेर कर दल और पृथ्वीराज के पकड़ के उल्टी मुसुक बांध दल ले लन गजमोती के पास कल की माफी मांग ला नहीं गर्दन काट ले ए भैया गजमोतीन कहलत की ना मर्दे के स्थान मरल मेरा जान नहीं तो बहादुर आदमी हो इनके मुसूक चढ़ा के बांध के ले रहा हमारे सामने बस अब छोड़ रहे के आज हमारे सब के टाइम सती हुए के टाइम छोलन उदल जब कहेंगे आज तो भौजी कल छोड़ा थी लेकिन एक बात याद रखी है आए हैं अरे चुभी हरदम फुलावा बन के मोह कटावा अरे बही जिया दबा सुगनावा मलखे का बेटावा आर की चिट्ठी लिखवा कर बोले उदल उन्मादी अति कुछ तो है अगर तुम्हारे घर पर शादी दुलही लिया है गवनवा मलखे का बेटावा पृथ्वीराज सब तर तक ये मंजूर मर्दानों से पालो पर्दा का बहुत बड़ा सूर आप छोड़ रहे दुसु बनावा मलखे का बेटावा रात तिलक दे मलखे से तुको घर को गए जवान जैसे खोप दिला तो ऊपर बैठे हम मलखान अरे यार पूरा कैला यार मनावा मलखे का बेटावा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्गदेव चंडिका रवि पटेल जी पर पुजारी अरे पानी में कैसे लागल अगिया